अंतरंग के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं दलीप लंगू, जो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर कश्मीर से हैं और बहुत ही रिप्यूटेड सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं। काफ़ी सारी कंपोजिशन उनकी अपनी भी हैं जो उन्होंने गाई हैं, और काफ़ी देर से, मतलब सिंस इंसेप्शन ऑफ दूरदर्शन, वो दूरदर्शन के साथ और रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं और संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी गायकी से और अपने संगीत से धूम मचा रखी है। सेशंस लाइव में आजकल वो रोज ही वो श्लोक गाते हैं, और इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत ही प्यारे और सुंदर कश्मीरी सॉन्ग्स गाए हैं, और जो कि हमारा एक ट्रेजर है और जिसे हम बहुत अच्छे से सजोए हुए हैं। और आइए आज मिलते हैं दिलीप लंगू जी से और उनके जीवन और उनके कृतित्व के बारे में जानते हैं। दिलीप जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार, और सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत खुशी की बात है, आपका ये INF का बहुत अच्छा, मतलब लग रहा है, मैं वॉच करता हूँ इसे जी, और जी। आज का दिन बड़ा शुभ है कि मैं भी इसमें शामिल हुआ हूँ। आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिलीप जी, आप काफी अरसे से संगीत के साथ जुड़े हुए हैं जी, और खासकर कश्मीरी संगीत के साथ और रूहानी संगीत के साथ। आपने कश्मीर का जितना भी रूहानी संगीत है जी, उसमें आपका अच्छा अच्छा खासा योगदान है जी। बहुत अच्छी धुनें बनाई है आपने, आपने कश्मीरी लीलाएं जो है उनकी बहुत सारी कंपोजिशन को बनाई और गाई जी, बड़ी प्रोमिनेंट है उनमें से सारी धुनें। तो आज हमें अपने जीवन के बारे में, आपका जन्म कहाँ से है और किस प्रकार से संगीत में आप इंटरेस्टेड हो गए और कैसे आपने संगीत को अपना जीवन का जीवन यापन चुना, इस तरीके से हमें क्रमवार समझाएं जी। दिलीप जी, शुरुआत वैसे ही, मतलब हमारे बड़ियार, जो बृहद विहार भी कहा जाता है, हिस्टोरिक प्लेस है, बिल्कुल, जहाँ किसी ज़माने में ह्योनसांग का आना हुआ था। उन्होंने अपने राइट अप में उसमें लिखा है ट्रेवलॉग में जी, कि बृहद विहार में वो रहे थे। तो बृहद विहार बड़ियार ही है, बड़ियार बाला जो है ऊंचाई पे है, तो बृहद विहार कहा जाता है। तो वहाँ से, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। मतलब मैं लंगूज के यहाँ, पंडित कृष्ण लंगू जी मेरे गुरु पहले, और उसके बाद में बहुत सारे लोगों से हमने, मतलब संगीत की शिक्षा मिली। और जन्म से जब मैं अपने घर पे था तो मेरे पिताजी फ्लूट बजाया करते थे, तो अपने शौक के लिए, अपने दोस्तों के साथ बैठ के बजाना, खिड़की पे बैठ के बजाना। रिसेंटली बिफोर हिज डिपार्चर ही यूज्ड टू प्ले दैट फ्लूट। असोसिएट महलस में सारी भोजन तो कान देते इस भोजन के लंगू से अच्छे फ्लूट बजावान, बहुत अच्छा लगता था सबको, क्योंकि उनकी फेवरेट धुन थी मैं पिया तेरी तू माने या न माने, मैं पिया तेरी, बसंत बहार फिल्म का जी, गाना जी, बहुत ही बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। फ्लूट पे बहुत अच्छा बजता है वो जी जी जी, क्योंकि पन्नालाल घोष ने उसे बजाया था, तो उनको अपना आइडियल मानते थे, तो ऐसे ही उसमें मगन रहते थे। ये तो सब इंस्पिरेशंस, और हमारी माताजी वो भी लीला गाना, तो हमारे कश्मीरी परिवार में तो एक ट्रेडिशन हुआ करता है। आज भी जो लेडीज हैं जो उनकी आज भी माताजी तो रोज़ सुबह शाम लीलाएं तो गाती हैं, तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता था। तो ये प्रेरणाएं जितनी भी आती थी, तो घर में माहौल भी था जो पंडित कृष्ण लंगू जी के यहाँ, मतलब उनके पास काफ़ी सारे म्यूजिशंस का आना जाना, थिएटर पर्सनैलिटीज़ का आना जाना, कला केंद्र से जुड़ा होना, सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन के साथ जुड़ा होना, फिर रेडियो तो था ही, पर फिर दूरदर्शन आया हमारे समय में ही आया, हमारे छोटे थे बचपन में हमने देखा, दूरदर्शन भी आया। तो ये सारी मिली जुली जो चीज़ें बातें हुई, तो उन के बीच में हमारा भी उद्भव हुआ। और लंगू जी ने ही देखा कि ये गा सकता है, तो फिर उन्होंने मुझे सबसे पहले
1973 में सीधे, मतलब पहले तो ट्रेनिंग क्या हुई, ट्रेनिंग तो हमें यही था कि वल्सपाक से श्री ग्यावन आज, तो अच्छा। मुझे सीधे ले गए टैगोर हॉल में, मुझे याद अच्छा। है वहाँ पर एक जवाहर वांचू जी का एक प्ले जा रहा था, ओपेरा जा रहा था, कोलकाता कला मंदिर में होना था, उसमें ललवाक को उन्हें करना था, शिव चुथैले थैले रोजान, तो उन्होंने मेरी रेंज वगैरह तो जान ली थी, तो फिर मुझे उससे सिखाया, फोर लाइनर था तो आसानी से मैंने गा लिया, तो उनकी जो इच्छा थी उसके ऊपर खरा उतरा मैं, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे मुझे ट्रेन करना शुरू कर दिया, बैठाते थे एक घंटा दो घंटा, मुझे कभी कोई भजन सिखाना, कोई कभी कोई कंपोजिशन सिखाना, या कभी गुलाम हसन सोफी को गाना होता था तो मुझे पहले सिखाते थे, शमीमा देव या विजय मल्ला जी और कैलाश मेहरा इन सब के लिए कंपोज करते थे, वो सब कंपोजिशंस मुझे पहले गाने को मिलती थी, तो ये मेरा शुरुआती ट्रेनिंग था, तो म्यूज़िक में आना कोई ऐसा नहीं था, मतलब स्वाभाविक सा लगा। आपका कहने का ये मतलब है कि आप उस परिवार में जन्मे हैं जहाँ पे चारों ओर से म्यूज़िक था, जी, तो आप फादर साहब फ्लूट बजाते थे, बहुत ही सुंदर फ्लूट बजाते थे और अच्छी धुनें आपको सुनने को मिलती, ये कानों में आपके रस बोलती थी और इससे इंस्पिरेशन आ जाती थी। इसी प्रकार से जो कृष्ण गंगू जी हैं, उनको उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैस्ट्रो है, म्यूजिक है, एक्टिंग है, जी, कोई जी, भी जी, सिंफ है आर्ट की, उसमें ऑलराउंडर ऑलराउंडर हैं और उनका वो, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जी जी, और कश्मीरी थिएटर के महागुरुओं में है। मुझे तो घर में हमारे बड़े ताया जी थे, प्रेमनाथ लंगू जी, वो तलत महमूद को इतना एक्यूरेसी के साथ गाते थे कि दूर से ऐसा लगता था कि तलत महमूद ही गा रहे हैं, तेरी याद में, मतलब इस तरह के गाने मुझे सुनने को मिलते थे, सहज ही ऐसा माहौल था। तो फिर वही हुआ कि मैंने संगीत आगे चल के आपने स्तोत्र के वो आपको याद है जो बिगिनिंग में आपसे गवाया गया था, थोड़ा उसका थोड़े से सूत्र सुनाएंगे उपेश? हाँ, शिव सूत्र मैंने रिकॉर्ड किया है जी, बहुत पहले, अब तो करीब 15 साल हो गए हैं वो यूट्यूब पे अपलोडेड है जी, शिव सूत्र मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने जो है तांडव स्तोत्र रिकॉर्ड किया है, मैंने बहुत सारे, क्योंकि ये स्तोत्रों का, ये तो काफ़ी आगे चल करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप बचपन से शुरू कर रहे हो, ये तो बीच की बात हो गई। आपने बोला था ना आपको पहले पहले जब आप स्टेज पे गए थे तो वहाँ आपने वो तो ललवाक गाया मैंने। अच्छा, ललवाक गाए थे फर्स्ट 73 में, मैंने ललवाक गाया था उसको, उसको अगर रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा हम जरूर हमारे में चले जाएंगे जब आप जी। शिव चुथल थल रोजा मोजान हंत मुसलमान त्रुखै चुक्त पान परजान सोई छे साहिब स शु छु थल थल रोजा ये तो मतलब तब तो मैंने और भी ऊंचा रेंज में गाया था जो उनकी उस वक्त रिक्वायरमेंट थी, तो मगर मेरे ख्याल से उस रिकॉर्डिंग को और आज इट्स बीन नाउ 48 years 48 साल पहले मैंने गाया है, तो एक बहुत ही खुशी का एहसास भी होता है और यकीन नहीं आता कि 48 years बीत गए क्या, 73 में गाया था मैंने ये, तो चलिए ये यात्राएं ऐसी ही होती हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे फिर स्कूल में फरमाइशें हो रही हैं,
कोई आपको गाने के लिए बुला रहा है, कभी शादी है कहीं पे वल्सर या बर्थ या क्या व्हाट एवर, या जो अपने उस... हमारे फंक्शंस होते थे प्राइवेट फंक्शंस, तो वहां पे हां जी हां जी हां एनकरेज करते थे रिश्तेदार, एनकरेज करते थे आओ जी आप ये गाओ, तो ये तो बात तय होती थी कि जो गा रहा है उसको तो पकड़ ही लेते थे, मेहंदी रात हो चाहे कुछ भी फंक्शन हो तो पकड़ ही लेते थे मुझे तो, खासकर अपने जितने भी बहने भाई जितने भी लोग होते थे तो मुझे पकड़ के शाम को हमें ये गाना सुनाओ हमें वो गाना सुनाओ, तो वो चलता रहता था, वो भी वो एक सपोर्ट था। तो इंस्पिरेशन तो हर तरफ से थी, और धीरे धीरे जब मैं इसमें प्रोफेशनल वे में गया मैं, तो उसमें पहले ट्रेनिंग का वो आता है, ट्रेनिंग में मुझे जो पंडित लंगू जी हैं उन्होंने मेरे घर पे ही कुछ तबला प्लेयर्स जो वहाँ पर नामी गिरामी, हुकुम चंद जी दूरदर्शन के लिए बजाते थे और कृष्णचंद्र जी कल्चरल एकेडमी के उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में थे, तो उनके माध्यम से मुझे पहले रिदम और तबला वगैरह इसकी ट्रेनिंग दी गई घर पे ही, और उस उसके बाद में मुझे मुझे याद है 76-77 मैं म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में हॉबी क्लासेस मैंने अटेंड की काफ़ी देर तक, तो वो भी एक स्टेज था, मगर अल्टीमेटली मेरा घर पे ट्रेनिंग साथ साथ होता था, शाम को महफिल लगती थी, दैट वाज माय स्कूल, कि कोई भी आ रहा है तो गाना सुनाना है, ये मास्टर जिंद कोल के कंपोजिशंस पोइम्स वो गानी है, वो कई लोग आते थे तो सुनते रहते थे, मित्र मंडली बहुत होती थी, तो हमारे घर पे म्यूजिशियंस का आना, डायरेक्टर्स, थिएटर पर्सनैलिटीज़ बहुत सारे लोग आते थे, यहाँ तक कि मुझे याद है एक बार मैं गा रहा था, पीछे से पंडित प्राण किशोर जी बैठे थे और कोई और शख्स भी बैठे थे, मैं गाना गा रहा था पान म्यानो वत गतो कच्छ रोजा कली, तो ये गाते गाते विजय मल्ला जी भी बैठे थे, तो पीक पे मेरा मतलब आवाज़ जा रहा था, तो सब एंजॉय कर रहे थे, तो जो ही मैं कोई लाइन चेंज कर रहा था तो पीछे से पंडित प्राण जी उन्होंने हाथ रखा मेरी पीठ पे, मुझसे कहा कि आपको मालूम है आपको सुन कौन रहे हैं, तो मैंने मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, तो मेरे पीछे बैठे थे, तो मैंने बोला नहीं अंकल मुझे नहीं पता, तो उन्होंने बोला ये प्रभात मुखर्जी हैं, तो ऐसी हस्तियाँ आती थी घर पे, वो दे यूज़ टू विजिट एंड हमारे संगीत को सुना करते थे, बहुत बड़े बड़े कंपोजर्स, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग, यहाँ तक कि एक बार कर्फ्यू का माहौल हुआ था तो हमारे यहाँ मतलब कोई तो आए थे सिंह साहब, वो लाहौर से माइग्रेट होके आए थे, जैसे 47 में लोग माइग्रेट हुए थे, तो लाहौर से मतलब अमृतसर में सेटल हुए थे, उनकी हारमोनियम की कंपनी थी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो पता चला कि वो बड़े गुलाम अली खान साहब के गुरु भाई थे, तो जितने दिन वो हमारे यहाँ रहे, क्योंकि कर्फ्यू बहुत दिनों तक रहा 19-20 दिन, तो वो महीने भर हमारे घर में रहे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं, और विभिन्न आयाम जो है संगीत के वो सीखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी तरह का रियाज हो या कुछ हो, तो इनिशियल ईयर्स हमें मतलब सोहबत से सुनने से और सोहबत से कहीं जाना है गुरुजी के पास या कहें, बाद में मैं 85, 86, 87 आई यूज़ टू विज़िट पंडित टीके जलाली जी, जिन्होंने मुझे मतलब लिटरली जो रियल ट्रेनिंग है मुझे वो उन्होंने दी। मुझे याद है एक बार ज्योतिर्बसु 85 में, शायद 85 ही था, वो आए थे, बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं आप, टीके जलाली साहब, उन्होंने आपको सिखाया, उनके आप शिष्य रहे हैं। नहीं नहीं, सिखाया कैसे, वो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, आई वांट टू शेयर दैट, क्योंकि ये वो बातें होती हैं अक्सर लोगों को पता नहीं होती हैं, ये पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो मुझे एक बांग्ला गीत गाने को दिया गया, अच्छा,
तो बांग्ला गीत एक कोई मामूली गीत नहीं था, शमीमा देव जी ने गाया था उसे कोलकाता में एक रिकॉर्ड में, उन्होंने रिकॉर्डिंग किया था। गुरु आमाय उपाय बोलो ना, क्या बात। जन्म बोधि कपाल फोड़ा, आमी एक जोना, आमी एक जोना। तो ये जो बाउल संगीत का एक फॉर्म है, ये म्यूजिक फॉर्म, एक फोक फॉर्म है, एक एंशंट ट्रेडिशन है बंगला संगीत में। तो अब सभी कंसर्न थे कि ज्योतिबासु चीफ मिनिस्टर उस वक्त थे एग्जिस्टिंग, तो इतने जी सारे लोग हैं और दिग्गज लोग हैं, इनके सामने उनको गाना है तो ये परफेक्ट होना चाहिए। तो टैगोर हॉल का जो पीछे गार्डन है पूरा, उस गार्डन में पैदल चलते चलते कितने सारे राउंड्स मारते मारते वो मुझे इसको लाए और ताल में कैसे गाना है उसका ट्रेनिंग उस वक़्त उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि हो सकता है उस वक़्त मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो कहाँ पर कौन से बीट पे कैसे उठाना है ये सब मैं सच में एक मतलब बहुत ही ये तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ये सौभाग्यशाली हैं आप, फॉर्चुनेट बहुत हूँ बहुत बड़ी। कि ऐसे हाथ ऐसे पकड़ पकड़ कर गुरुजन, मुझे ऐसे सिखाया। गुरुजन जो है हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं और अभी भी जी जी हैं। जी जी भगवान जी उनका जी साया हम पे बराबर बनाए रखे और जी हम जी हमें जी दीक्षा उनसे मिलती रहे। और जी ये जी जो जी है ये बहुत ही फॉर्चुनेट बात है। और जी यहाँ पे मैं एक विराम लेता हूँ, एक जी एड विराम, एक एडवर्टीजमेंट का विराम देता हूँ जी हमारा, जी जी और उसके बाद हम आपका एक गाना चलाएंगे जो आपके जी रिकॉर्डिंग का है। जरूर तो जी एक एड ब्रेक लेते हैं यहाँ यहाँ पे जी हम। जरूर जी जरूर जी हमारी इस छोटी सी कोशिश को कैप इम्ब्रोज जो है वो प्रमोट करती है और हमारा बराबर सहयोग करती है हमारे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी हम दलीप जी का एक गाना आपको सुनाएंगे जो कि हमारे जो कश्मीर के हिंदी साहित्य के दिग्गज साहित्यकार कवि ब्रॉडकास्टर मोहन निराज जी के लिखे हुए बोल हैं, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरा नमन उनको, और ये उनकी एक रचना है जिसका म्यूजिक जो है कंपोज किया है और जिसके गायक दिलीप जी हैं, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। रोनि दामानस शोनि शोनि रोहु क्या गुजरोहु तकदीरन, उजमल सीनस दज दज धोहु क्या गुजरोहु तकदीरन। रोनि दामानस शोनि शोनि रोहु क्या गुजरोहु तकदीरन, उजमल सीन दज दज थो क्या गुदरो तकदीरन।
भक्तन तन मन महाराज हाँ भक्तन जतनम यजवन चार भक्तन अन मन महाराज हाँ भक्तन जतनम यजवन चार कई होर लाये डकनहनों क्या गुदरों तकदीरन कई होर लाये डकनहनों क्या गुदरों तकदीरन रंजदामानस श्रन श्रन रों क्या गुदरों तकदीरन उजमल सीनस दज दज धोम क्या गुदरो तकदीरन क्या गुदरो तकदीरन कच लक चार वन कुंत्रों यावन रों शहर चिब्रो रूस कच लक चार वन कुंत्रों यावन रों शहर चिब्रो पल नहीं पम पोश कहीं पुछनों क्या गुदरों तकदीरन पल नहीं पम पोश कहीं पुछनों क्या गुदरों तकदीरन रन दामानस रन श्रन रों क्या गुदरों तकदीरन उजमल सीनस दज दज थो क्या गुजरो तकदीरन रन दामानस श्रन श्रन रो वक्त की मारन कर्ण पर वक्त की आई फिर नवर वक्त की मारन कर्ण पर वक्त की आई फिर नवर निराश कट रू दूं शुनिया वो क्या गुदरों तकदीरन निराश कचरू दूं शुनिया वो क्या गुदरों तकदीरन रन दामानस श्रन श्रन रों क्या गुदरों तकदीरन उजमल सीनस दज दज धोम क्या गुदरों तकदीरन रन दामानस श्रन श्रन रों क्या गुदरों तकदीरन उजमल सीनस दज दज धोम क्या गुदरो तकदीरन क्या गुदरो तकदीरन। बहुत खूब
रोहिणी दामानस शुन शुन रोग क्या विद्रोह तकदीरस तकदीरें तकदीरन, ये इसके बोल जब आदमी बहुत अटेंटिवली सुनता है और इसकी गहराई में चला जाता है तो सेंस ऑफ जी लॉस जो जी है, डिप्रेवेशन जो है, और जी उसके बाद जो कठिनाइयां हैं जीवन, उससे जी जी जो उपजी कठिनाइयां जीवन की है, हाँ जी उनको गीतों में पिरो के आपके सामने रखा गया है। बहुत बड़ी त्रासदी जो एक समय की जी है ये जी डिपिक्ट करती है, और आपके सुंदर गायन ने इसमें और चांद चांद लगा दिए है, और बहुत अच्छी कंपोजिशन हमको सुनने को मिली है। आपका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद, ऐसी बहुत बहुत कंपोजिशन के लिए, थैंक यू बहुत ही थैंक मजा आया इसमें। देखिए मतलब यू। हम लोग जो हैं लगभग ये हर एक मन को छूता है, क्योंकि हर जी एक कम्युनिटी में हर एक बंदे की शायद यही दशा है, और यही जी जी हाँ संपूर्ण रूप से तो यही हमारे जो एक्सप्रेशन हैं इस वक्त हम हमारे जी सबके हैं, तो सेंस ऑफ लॉस है इसको जी समेट के शब्दों में और म्यूजिक में आपने डाला है। मतलब मिराज जी ने इसके बोल लिखे हैं, कविता लिखी जी है, और उनकी शायद बहुत सारी ऐसी कविताएं और होंगी, जी ऐसे शायद शायद नज़में और होंगी, गज़लें और होंगी जी जी जो कि अभी हमारे दर्शकों को इस तरीके से मालूम नहीं है, तो इनको हमको जी ज्यादा से ज्यादा इनका प्रयोग करना चाहिए। जी तो हमारे बहुत ही श्रेष्ठ कवियों में से हैं जी निराज जी, उनको हमारा जी बहुत बहुत नमन। जी अब आप कुछ बोल रहे थे जिसको मैं वापस उसी बात पे आ जाऊंगा मैं कि सबसे मतलब सबसे पहले मैं आपको आपसे इजाज़त लेके यहाँ कमेंट्स भी मैं साथ साथ पढ़ रहा था। जी जगदीश जी हैं, जगदीश जी थैंक यू, लाइव भी मैं लाइव ही हूँ, थोड़ा थोड़ा गुनगुना भी लूँगा। काफ़ी पीछे जब हम अपना इतिहास, अपना जो अपनी जीवन की पिछले दिनों को याद करते हैं, तो मेरी छोटी बहन जब हम जलाली सर के यहाँ जाते थे सीखते थे, तो छोटी सी अर्चना जलाली इस वक्त वॉच कर रही हैं, तो कई सारे कमेंट्स हैं। मैं बहुत बहुत मतलब हम मिस करते हैं आप सभी को, आप अब्रॉड में वहाँ से भी एक्टिव हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनते हुए। बहुत 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 हाँ जी हाँ जी, जबरदस्त। और हाँ, इन्होंने कई इन्होंने सारे इनकी इनकी तारीफ करनी चाहिए। इन्होंने किस तरीके से कश्मीरी संगीत को, सारे जी संगीत, जी भारतीय संगीत को इन्होंने बिल्कुल संजो के, और ये क्लासेस वहाँ पे जो भारतीय संगीत की हैं और अच्छा कश्मीरी अच्छा संगीत अच्छा की, हाँ हाँ वो जी वहाँ अच्छा वहाँ पे लेती हैं इनके और साथ जो मुझे लगता हमारा है यहाँ से इंटरेक्शन। रीता राजदान सफाया जी हैं, उन्होंने भी हाँ लिखा है, सुपर्णा जी ने भी लिखा है, सबको थैंक यू। और जी ये जीवन यात्रा कुछ ऐसी ही बन जाती है, फिर एक स्टोरी बन जाती है। तो आते आते जब हम इस इन मरहलों को पास करते हैं, हम एक उस वक़्त एक पीक पर पहुँचे थे कश्मीर में, तो जाते जाते हमने गुल गुलशन गुलफाम जैसा सीरियल किया, उस जो एक टर्मोइल हुआ उन्हीं दिनों हम कर जी, रहे थे, जी, 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 हाँ। मगर उससे पहले भी पहले हमने कई मतलब टॉप सिंगर्स जैसे मल्लिका पुखराज है उनके साथ प्रोग्राम किया, दूरदर्शन में वो रिकॉर्ड भी हुआ, तो उनके साथ हमें मतलब करीब 1 महीने 1.5 महीने तक उनके पास आना जाना रहता था। उनको डकडूनमो फुटराव सॉन्ग जो है, जो मैंने गुलगुलशन गुलफाम में बाद में गाया था, तो उसको उन्होंने भी गाया था दूरदर्शन के लिए, वो सब काम करने का मौका भी मिला। और हमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी स्टेट गेस्ट्स आते थे, हमें हमेशा उसमें काम करने का मौका मिलता था, और संगीत की शिक्षा साथ साथ होती थी। म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में पंडित पृथ्वीनाथ रैना जी हमारे गुरुओं में थे, और SMH चस्खां साहब हमारे गुरुओं में थे, जो हमारे पंडित जी के जलाली जी हैं उनके तो हम घर जाते थे, वहाँ पर संगीत सीखते थे। और आप ये जवाहर नगर में जो म्यूजिक इंस्टीट्यूट था उसकी बात जी कर रहे हैं, जी और जी वहाँ वहाँ पे आप पढ़ाई करते थे, वहाँ हॉबी क्लासेस होती थी, हॉबी क्लासेस शाम को 4 बजे जी शाम को जी 4 बजे जी, जी मैं स्कूल के बाद वहाँ जाता था, जाते स्कूल से सीधे वहाँ जाता था, वहाँ पर सीखता था, और फिर वो कंटिन्यू नहीं किया मैंने, फिर तो बाकी लोगों से, घर में तो सीखना ही सीखना होता था, हर दिन शाम को महफिल लगती थी, लोग आते थे वहाँ सुनते थे, और हम या तो मैं तबले पे होता था, नहीं तो या तो विजय जी आते थे वो गाते थे,
कई सिंगर्स आते थे, वो गाते थे, मैं कितनी संगत करता खूबसूरत था। यादें आपके जहन जी में है जी और जी कितनी खूबसूरत यादें आपने हमारे संजो यहाँ के रखी है। बहुत 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 स्वर्गीय बहुत हृदयनाथ तोशखानी बढ़िया। जी हमारे यहाँ अक्सर आते थे, वो गाया करते थे, उनसे इंस्पायर होके मैं मतलब तबला बजाते बजाते गाया करता था, तो वो एक गुण उनसे लिया। ट्रांसमिट होता है कि मतलब आप जब प्रेरित होते हो तो कुछ यूनिक चीज़ें जो हैं वो आप ग्रहण करते हो। तो सबसे बड़ी बात जो है मुझे, जो मुझे अभी याद आ रही, वो सब माहौल ही कुछ ऐसा था जिसको भूले से भी कोई भूल नहीं सकता। तो जो वहाँ पर क्रिएट हुआ उस बड़ियार के एक रूम में, जो अभी भी हमारे पास है, वो एक मतलब मेरे ख्याल से तो वो एक मंदिर हो गया है। वो वहाँ पर अमीर करनस बांबरे जैसे कंपोजिशन या कितनी सुंदर कंपोजिशन उसी रूम में से निकल के रेडियो में, दूरदर्शन में, जहाँ भी गई वो वहीं से निकली हैं, उसी रूम में से, बड़ियार की बड़ियार से ही रेजोनेट हुई हैं। अर्चना जी आप आपसे फरमाइश कर रही है गाने के लिए, अब हमने हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं कुछ कुछ लाइनें सब जो भी गीत हैं उनकी मैं सुनाऊंगा तो सुनाएं। मगर जो किससे कहानी है वो कोई नहीं सुना नहीं, सकता। वो भी हम पार्ट ऑफ जर्नी। आप जी, उसको कंटिन्यू करते हुए बीच बीच में हमको सुनाएं। जी जी जी, समय है हमारे पास। डकडून मो फुटराव, डकडून मो फुटराव, हजी तई बजी मुशराव, हो योर कुसबा रोज आव। डकडून मो फुटराव, योर कुसबा रोज आव, डकडून मस फुटराव। और भी कई सारे गाने हैं, और ये जो गाना उनका टाइटल ये किसने, ये रंगमंच वालों ने गाया था शायद? नहीं, ये दरअसल युवानी का पहला रिकॉर्डिंग था, लचेनार जज नमेतन, और ये डकडून मो फुटराव, ये कॉम्बिनेशन था सॉन्ग का जो पंडित कृष्ण लंगू जी ने खुद गाया था, लीड किया था। रंगमंच का प्रोग्राम था, ये युवानी की फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी जब युवानी का इनॉग्रेशन हुआ था, ऐसा मतलब मेरे सुनने में आया है। तो बाद में ये जो है मल्लिका पुखराज साहिबा ने गाया था, और उसके बाद मैंने गुलगुलशन गुलफाम में गाया, और गुलगुलशन गुलफाम में जो टाइटल सॉन्ग है वो काफ़ी मकबूल हुआ। अच्छा। डलचन डलचन मलरन सीमा डीश, अक्ता वशलान वशलांद्रा, आलौ वनहारन हुन बूज, आलौ वनहारन हुन बूज, शोक होत बुलबुल वनवांद्रा, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की, डलचन मलरन सीमा डीश, अक्ता वशलान वशलांद्रा, आलौ वनहारन हुं बूज, आलौ वनहारन हुं बूज, शोक होत बुलबुल वनवांद्रा, शोक होत बुलबुल वनवांद्रा।
इतना सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, ये कंपोजिशन किन की है? ये पंडित किशन लंगू जी की कंपोजिशन है, जो उनको इसके लिए अपट्रॉन बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था इसके लिए। अच्छा अच्छा, ये काफ़ी मकबूल सीरियल हुआ था। उसके बाद में कई सारे सीरियल्स जो मकबूल हुए, साये देवदार के, और उसके बाद एक और सीरियल था बुलबुल बाग, जो राज बब्बर, नादिरा बब्बर के साथ किया। तो कहना यह है कि फिर तो लाइन लग गई सीरियल्स की, जो बाद में डीडी कशीर का भी आगमन हुआ, और उसके बाद में जो हमने थोड़ा बहुत आप लोगों ने भी जो दूरदर्शन में काम किया डीडी कशीर के सौजन्य से, उसमें काफ़ी सारे सीरियलों का संगीत और गाना ये सब हम सब ने एक साथ किया था। यहाँ पर कई सारे लोग आ रहे हैं, आशा जी, संजय कॉल जी, सभी लोग कुछ लिख रहे हैं। सबको धन्यवाद, आप मुझे वॉच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, ये एक लंबा सिलसिला अनुभव का, यही हमारी सौगात है। और इस सब में होते हुए हमने कई कुछ ऐसी चीज़ें भी की, जैसे कनाडा के एक फिल्म प्रोड्यूसर हुए, उन्होंने मुझे फिल्म विलोमा दी, उसका मैंने पूरा बैकग्राउंड स्कोर और गाना भी गाया उसमें मैंने, उसके माध्यम से। कौन सी भाषा में थी वो? अंग्रेजी भाषा में थी फिल्म, और अच्छा। जो उसका थीम था वो इंडियन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड था, जो डिस्कवरीज इन ड्यूअलिटी नाम से उसका जो अंग्रेजी टाइटल था, विलोमा था उसका मतलब संस्कृत टाइटल था, मगर वो एक किसी भी क्रिएशन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जैसे एक एस्पेक्ट किसी में एक चीज़ एक्सप्रेस करता है, तो जब उसको उल्टा करते हैं तो वो पेंटिंग्स का था, कुछ पेंटिंग्स पे आधारित था। तो जैसे ही हम पेंटिंग को उल्टा करते थे तो उसमें दूसरा कुछ कम्युनिकेट होता था, उस तरह का कुछ विषय था। तो उसमें मैंने अपने जो संगीत से जुड़े नाद योगा के एक्सपेरिमेंट्स हैं, उस फिल्म के माध्यम से मैंने उन्हें एक्सप्रेस किया था, तो काफ़ी अच्छा रहा था। उसके बाद में एक दानिश रेंजू करके हैं जो हॉलीवुड प्रोड्यूसर हैं, तो एक उसमें गाना भी मैंने गाया हाफ जो फिल्म करके, वो सब किया मैंने। तो ये सब चीज़ें होती रहीं। एक और गाना आपका मेरे पास है। अच्छा। आपकी बात और आगे बढ़ाने से पहले मैं उस गाने को जरूर सारे दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। जी, तो वो गाना भी सुनेंगे हम आपका, बहुत ही बढ़िया है। नमस्कार लवली जी, नमस्कार, ये सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं। अति रोज मदनवार जी, महजूद साहब का गाना है ये, सारे कश्मीर महजूद का। बहुत जबरदस्त कंपोजिशन है पंडित किशन लंगू जी की। जी, बहुत खूबसूरत ढंग से आपने गाया है, हम प्रस्तुत करते हैं। जी, कदम लगई परी
सुहरा कदम यारो सुहरा कदम यारो कांथा भवन सती रोज मदलवारा बेदर्द जपाकारो बेआरस कंगारो बेदर्द जपाकारो बेआरस कंगारो पथ फेरू दिलाजा दिलासारो मो करत दिलासरी सहरा कदम यारो सहरा कदम यारो कंथ व नई जरी मदलवारो अतिरो मदलवारो कदम लगई पड़ी अतिरो मदलवारो तनिछई में दिलस शादी तनिछई में दिलस शादी गम गोस सजम सरी सहरा कदम यारो सहरा कदम यारो कांथ वनई जरी अतिरो मदलवारो अतिरो मदलवारो कदम लगई परी शायद सॉन्ग लंबा चलेगा लेकिन टाइम के हिसाब से हम इसको थोड़ा सा जी। अच्छा आप बोल रहे थे अपने अनुभव के बारे में जी जी तो, मैं यही कह रहा था कि ये सारी जो इमॉर्टल कंपोजिशंस हैं ये तो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पुरानी यादें याद दिलाई गई मुझे तो वो एक अपना एक समय था जब वो सब क्रिएट हुआ। आज तो बिल्कुल नया है सब कुछ नया नया आ रहा है पैटर्न्स चेंज हो गए हैं और सब कुछ टेक्नोलॉजी बदल गई है। तब जब हम रिकॉर्डिंग किया करते थे तो सब मैनुअली होता था ये सब डिजिटल कुछ भी नहीं था तब। जो मुझे याद है गुलगुलशन गुलफाम को हमने रिकॉर्ड किया था पंडित प्राण किशोर कौल जी के लीडरशिप में उनकी डायरेक्शन में तो वहाँ पर
सारे एक ही स्टूडियो में उसी वक्त साज भी बज रहे हैं, उसी वक्त गा भी रहे हैं, उसी वक्त कोर्स भी हो रहा है। एक कॉर्नर में कोरस सिंगर्स खड़े हैं, एक कॉर्नर में लीड सिंगर खड़े हैं, और एक कॉर्नर में म्यूजिशंस, एक कॉर्नर में तबले और तुमक नारी नोट, वो सब परकशन। तो ये वो ज़माना एक अलग ज़माना था, आज का ज़माना बिल्कुल अलग है। विद कम्फर्ट हम आज ट्रैक्स क्रिएट करके फिर गाने को डब करना, करेक्शंस करना, फिर फाइनल प्रोडक्ट, तो ये सारा बिल्कुल चेंज, हम इस चेंज के साक्षी हैं अब जो कुछ हो रहा है, जो नया हुआ। और हमारे बाद में जो है, मैं तो उनको डिजिटल जो लोग हैं वो तो डिजिटली प्रोग्राम ब्रेन्स हैं। आजकल जो बच्चे आ रहे हैं नए जो इस फील्ड में आ रहे हैं, वो बिल्कुल प्रोग्राम्ड होते हैं। हमने तो सीखा इस मोड से, इस मोड में हमने शिफ्ट किया, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। मगर आजकल तो बिल्कुल कुछ भी देखो आप, जैसे एक मोबाइल फ़ोन को आप काफ़ी मशक्कत से आपने सीखा, तो जो बच्चे लोग हैं वो बिल्कुल तुरंत सीख जाते हैं। मेरा जो मतलब कैरियर में जो मैं बीच में जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो गुलगुलशन गुलफाम तो चल ही रहा था, तो वी आर इन्वाइटेड टू बॉम्बे, वी शो मतलब वहाँ पर फिल्म भी हुई, आई वॉज टेकन एज गेस्ट एक्टर ऑल्सो इन दैट सीरियल, देन आई रिकॉर्डेड विथ नीरजा मुंशी, नीरजा पंडित और वो सारे। तो मुझे लगता है दर्शक जुड़ गए हैं, सबको फिर से धन्यवाद। और इस यात्रा में फिर आगे बढ़ने का मौका भी मिला, और मैं इन द मीन वाइल जब आपका डीडी कशीर का भी शुरू हुआ तो आई टर्न इनटू अ लिरिसिस्ट आल्सो, मैं गीत भी लिखने लगा, टाइटल सॉन्ग्स होते थे तो राज तरंगनी जैसे सीरियल का मैंने टाइटल सॉन्ग लिखा है, बहुत सारे सीरियलों का, करीब अनगिनत 400-500 सीरियल हो गए हैं। ओके, अच्छा। तो ये तो एक चलता रहा सिलसिला, एक हमारा प्रोफेशनल पार्ट। तो बीच में जब ये अफरा तफरी का माहौल भी था तो आई जॉइंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एज अ सेल्स हेड फॉर दिल्ली। अच्छा। तो वो 7 साल मैंने किया, मगर उसके दौरान मैंने स्टेज नहीं छोड़ा। अच्छा। इन 93 आई गैदर्ड ऑल द आर्टिस्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, कम से कम 50 लोग थे। तो 93 में मैंने श्री फूड ऑडिटोरियम हायर करके वहाँ पर भूंज नाम से मैंने शो किया जी, जिसका संगीत और नृत्य निर्देशन पंडित किशन लंगू जी ने ही किया। मैंने उसका स्क्रिप्टिंग किया था, डायरेक्शन किया था, और सुपर्णा ने उसका जो एसोसिएट कोरियोग्राफी की थी, तो सुपर्णा मेरी छोटी बहन है, तो उन्होंने वो सब किया था। तो हम सब एक साथ, वो एक ऐसा मंजर था, मौका था, जब हमने कश्मीरी बटन को डिमॉन्स्ट्रेट किया था, उसकी जो ड्रेस है, ड्रेस को डिस्क्रिप्टिव वे में हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। इंस्पिरेशंस मुझे घर से तो थी ही, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक पक्ष है बहुत स्ट्रांग था। जब सुपर्णा अंडमान निकोबार गई थी अपने एनसीसी कैंप के साथ, तो उस वक्त हमने उसे वो बटनी वाला फेरन साथ दिया था टू डिमॉन्स्ट्रेट इन दैट नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, बहुत पहले से। उसके बाद में हमने वही ड्रेस जो है, पंडित प्राण किशोर कौल जी, लंगू जी, सारे मिल करके, और जो इतने सारे मतलब एक से बढ़कर मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे लोग हैं जिसमें अली मोहम्मद शेख साहब भी हमारे साथ थे। तो हांगकांग में 12th फेस्टिवल ऑफ एशियन आर्ट्स में हम गए, वहाँ पर पूरा वो मैरिज सीन क्रिएट किया गया, हज़ारों की तादाद में लोग वॉच कर रहे थे। तो पूरा विश्व में 12th फेस्टिवल ऑफ एशियन आर्ट्स बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो एक ऐसी मतलब प्लेटफॉर्म जो पंडित प्राण किशोर जी ने पूरा संगीत नाटक एकेडमी और उनके सौजन्य से, वो डायरेक्ट अर्बन काउंसिल ऑफ हांगकांग के मतलब सौजन्य से हुआ था। तो ऐसे ऐसे मौके मिले, तो ये मुझे संस्कार शुरू से मिले थे कि इन चीज़ों में मेरा ज़्यादा जहन जाता था। तो मैंने यहाँ आकर जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मैंने सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हुआ हमारा, जो है हमारा स्क्रिप्चुअल टेक्स्ट है,
हमारे ललवाक हैं, रफवाक हैं, रिजदन के वाक हैं, इन सब को रिकॉर्ड किया मैंने। इंद्राक्षी पूजन पूरे विश्व में हमने उसको फैला दिया, और एक एक चीज़ उठा के, चाहे शिव सूत्र हो, श्लोक हो, मंत्र हो, पूजाएं हो, या कुछ भी हो शास्त्रों से रिलेटेड, हज़ारों की संख्या में उनको रिकॉर्डिंग किया, उसको प्रिजर्व किया, उसके उच्चारण पे काम किया। जैसे आजकल मैं 2008 से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम आई यूज टू पोस्ट श्लोकाज, मतलब पंचस्तवी जैसे है, पंचस्तवी का मैं मतलब करता रहता हूँ। ऐन्द्रस्येव शिरासनस्य दधति मध्ये ललाटं प्रभां शौक्रीं कांतिं मनुष्णगोरिव शिरस्यातन्वती सर्वतः एषा असौ त्रिपुरा हृदि दितुरोष्णांशुः सदा स्थितः छिन्द्यान्नः सहसा पदैस्त्रिभिरघं ज्योतिर्मयी वाङ्मयी। श्लोकों का एक एक श्लोक में मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पोस्ट करता रहता हूँ, क्योंकि ये विरासत हमारी मतलब लुप्त प्राय हो रही है, तो इसको बचाने के लिए ये भी एक छोटी सी कोशिश है। वाकों का तो मतलब पूरा जो कलेक्शन था ललवाक का, वो सारा रिकॉर्ड किया मैंने, तो 2003 में किया था मैंने, उसको रिलीज़ किया था, करीब 45 के करीब मैंने एल्बम्स रिलीज़ किए थे, जिसमें रब्भवानी के वाक का अलग एल्बम है, रिजदत के वाक हैं, जिसमें शिव सूत्र है, महिमना पार है, और क्या क्या नहीं है, मतलब आप गिनते ही जाएंगे। जीवन में ये सब जब हुआ तो बाद में पता लगा कि मैंने 22 भाषाओं में भी गाया है। 22 भाषाओं में? जी जी, जब भी कभी मौका मिलता था, दूरदर्शन में कश्मीर में जब था तब तक तो 15 भाषाओं में गा चुका था, बाहर आके तो मैंने वो स्लो हो गया, 7 और जोड़ ली मैंने, मगर बहुत ही अद्भुत अनुभव रहता है। तो दूरदर्शन में एक बार कुसुम लता जी के साथ मैंने, वो भी एक प्रोमिनेंट सिंगर हुआ करती थी वहाँ पर, आजकल पुणे में रहती हैं, उनके साथ मेरा ड्यूएट था, दिवाली का सॉन्ग हो रहा था, तो सॉन्ग के चलते राजस्थान से एक डांस ग्रुप आया था, उनका सिंगर बीमार हो गया था, वहीं स्टेज पे ही ये सब लोग थे, पंडित कृष्ण लंगू जी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, ये सब म्यूज़िक व्यूज़िक सब हो रहा था, तो मेरे पास विजय जी करके वहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी, विजय साधु, उन्होंने कहा कि एक समस्या हो गई है, आप थोड़ा बाहर आ जाओ। मैंने बोला क्या? बोला कि ये ग्रुप है, इनका चेक कैंसिल हो जाएगा अगर ये आइटम पेश नहीं होगा। मैंने बोला मुझे क्या करना है? बोला इनका गाना गाना है आपको। बोला ऐसे राजस्थानी सॉन्ग कैसे गाऊंगा मैं? बोला नहीं नहीं ये आपको सिखा लेंगे, आप गा लोगे, आप टैलेंटेड हो, आप गा लोगे। तो एक रूम में हम गए, म्यूज़िक रूम में, तो बीच में उन्होंने गैप दिया, उन्होंने फॉर हाफ एन आवर, तो मुझे उन्होंने सिखाया। ऊंट चढ़ी घर आवे लाडो सागे नाही भेजू रे, रंग बिरंगी होली आई रे, ओ वावा सागी भेज दे। तो इस तरह के मतलब अचानक से सरप्राइज मेरे लिए था, उस वक्त वो प्रस्तुत करना मेरे लिए तो चैलेंजिंग था ही, मगर उन्होंने मुझे कुछ ऐसे सिखाया कि मैं तुरंत सीख गया। और भी बहुत सारे ओकेजन्स में महाराष्ट्र में जाने का मौका मिला, कश्मीर यूनिवर्सिटी का कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ करता था वहाँ पर, तो पूरी यूजीसी के अंडर जो यूनिवर्सिटीज़ थी, तो बॉम्बे में मुझे रिपेरियल कॉलेज में मराठी गाना गाने का मौका मिला, एक अद्भुत अनुभव था, उसे कंपोज भी मैंने ही किया। गाना हुआ नहीं कि पूरी भीड़ उमड़ पड़ी ऑटोग्राफ्स के लिए, तो मुझे समझ ही नहीं आया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कोई मुझसे ऑटोग्राफ ले रहा है, वो और वो भी मुंबई में, 1987 की बात है,
उसके बाद तो हांगकांग जाना हुआ या बाकी चीज़ें हुई, बाकी जो एक्सपेरिमेंटेशन म्यूज़िक में काफ़ी सारी की, और उसमें नाद योगा का तो काफ़ी मेरा, क्योंकि आई एम इंस्पायर्ड बाय दैट, नाद योगा मेरा विषय भी है, उस पर मैं बुक लिख रहा हूँ विच इज़ नियर। संक्षेप में दो शब्दों में बताएंगे कि क्या होता है नाद योग जो है, एक जैसे ध्यान योग है, कर्म योग है, कोई भी योग के बहुत प्रकार हैं, तो ये एक माध्यम है जिससे एक इंसान खुद से जुड़ता है। नाद के बगैर तो कुछ नहीं है। जो मैंने पंचस्तवी का आपको श्लोक सुनाया, उसी में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक लाइट का एस्पेक्ट है, प्रकाश का, एक ध्वनि का, ज्योतिर्मयी वांगमयी। वांगमयी में ही साउंड का भी एस्पेक्ट है, और उसमें पढ़ने का जो हम देखते हैं लिटरेचर है, हमें ज्ञान किससे होता है, हमें ये एहसास किस चीज़ से होता है कि हम कहाँ जाएं, अगर पूरे विश्व में अंधकार हो तो हम कहाँ चलेंगे, कहाँ जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे। हाँ, ये प्रकाशमय हो जाता है, तो लाइट जब आती है तब हम इधर उधर जाना शुरू करते हैं। तो वो जो अपने अंतर की यात्रा है, हर एक योग में नाद योग का मतलब रोल है। बिना नाद के आप खुद को भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जो वो अस्तित्व है अपना आप, वो नाद रूप भी है और प्रकाश रूप भी है, और जब तक उनको हम समझ नहीं पाते तब तक तो वो यात्रा संभव ही नहीं। म्यूजिक का इसके साथ क्या संबंध? हाँ, तो म्यूजिक का ये संबंध है कि विष्णु भगवान नारद से कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ, मैं स्वर्ग में नहीं रहता हूँ। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। म्यूज़िक से यही रिश्ता है, म्यूज़िक से ये रिश्ता है। जब आप मंदिर जाते हो तो वहाँ संगीत है, किसी भी धार्मिक उसमें जाइए आप, वहाँ संगीत है, कोई भी किसी भी धर्म का संगीत सब जगह है। फॉर्चुनेटली जो शायद सारा संसार ही ध्वनिमय है। जी जी जी, ध्वनि ध्वनि इज अ मस्ट। नाद नाद से ही यात्रा करते हो आप, शायद सारा संसार ही रिदम में है। जी जी जी, और जिसको कॉस्मिक रिदम हम बोलते हैं। जी जी जी, आपका बहुत शुक्रिया इस बात के को टच करने के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जो रिदम है जी 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 वो सेट करता है जिंदगी, और जो रिदम है उसके जितने भी प्रकार, पॉइंट जब अपना मीटर मीटर लेखन करते हैं तो उसमें भी संगीत रहता है। वो एक कंपोजर कैसे समझता है, तो वो अपने तरीके से उसको अभिव्यक्त करता है म्यूजिकली। तो संगीत अलग 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 कुछ नहीं है, रिदम की अलग अलग बंदिशें होती है, कोई 8 मात्राओं की है, कोई 16 मात्राओं की, इसका थोड़ा सा फर्क हमको बताएंगे। हाँ, ये कई सारे रिदम तो बहुत सारे हैं। दादरा है 6 मात्रा का है, करवा 8 मात्रा का है, तीन ताल 16 मात्रा का है, इसी तरह से जब ताल है, एक ताल है, कई ताले हैं इसमें। पेस 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 का एस्पेक्ट है क्या कि किस पेस? बिल्कुल है, बिल्कुल। कोई विलंबित, कोई विलंबित है, हाँ, स्लो लय होती है किसी की, द्रुत लय है, तेज होता है, वो तो डिपेंड करता है। जब आप एक कंपोजर कंपोज करता है और गाने का मूड देखता है, उसमें क्या चाहिए। जैसे हम जैसे हमें हबा खातून का कुछ कंपोजिशन गाना है, वाह क्या बात, तो गाने का जो जो अर्थ है, मालिनी गरिनो दिन गुजरी वैरवियो लगाई पैर पैरी, अब हम इसको भाग दौड़ वाला संगीत नहीं बना सकते, तो इसको बहुत ही होले होले धीरे धीरे, थोड़ा सा पैथोस है और पैथोस को पूरी जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो ऐसे पैटर्न पे हम लेके इसको कर सकते हैं। मालिन गरनो दनु मालिन गरनो दन गुजरी वर्यो लगई पर परिये, मालिन गरनो
दिन गुजरे वर्यो लगई पर परिये मालिनी गरनो दिन गुजरे वर्यो लगई पर परिये। यह मालून संसार है वर्यो ईश्वर का घर। यल में इनमो मंजिम यारी यल में इनमो मंजिम यारी यो रुख सामान लग्यम नाके यो रुख सामान लग्यम नाके सालबत सालर क्यन मोसरी वर्यो लगई पर परिये मालिन्य गरनो दिन गुजरी वर्यो लगई पर परिये दोहा के डोली म्यान लगे सवरी दोहा के डोली म्यान लगे सवरी नशकोर दपनम महरिन छे नशकोर दपनम महरिन छे अंध तूर लगी नहीं गस बिचारी वर्यो लगई पर परिये मालिन्य गरनो दिन गुजरी वर्यो लगई पर परिये वर्यो लगई पर परिये मालिन्य गरनो दिन गुजरी वर्यो लगई पर परिये। ये ऐसे होता है बहुत खूबसूरत। हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं और इस महफिल को ऐसे जारी रखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत जबरदस्त। मैं तो बहुत जज्बाती हो गया इसमें। जी, ये जी। जो गीत है खबर खजुन का, ये बहुत ही एक तो स्पिरिचुअलिटी के और हमको जिस तरीके से आपने इसको बता दिया और जी जो मतलब वैसे भी जो जिंदगी के अर्थ हैं एक मालून और वर्यो के बीच में, उसका भी एक बहुत बड़ा जो दृष्टांत है वो भी इसमें एक्सप्रेस होता है। और बहुत ही और धुन आपने बहुत बढ़िया इसकी बनाई है, बहुत ही बढ़िया। Thank you so much, very great of you. और अब हमको आप एक थोड़ा सा, हालांकि ये तो समय चेंज हो गया है और सब लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक जो म्यूजिक के गैजेट्स है उन्हीं का यूज करते हैं, लेकिन जमाना याद आता है जब भजन जी के आज भी हमको वो वीडियोस दिखते हैं जिसमें कश्मीरी साज जो है जी उसके साथ बड़े बड़े हमारे सिंगर्स जो हैं विजय माला जैसे, शमीमा देव आजाद जैसे सिंगर्स हैं, उनके जो हमारे वीडियोस हम देखते हैं तो उसमें ऑर्केस्ट्रा जो है
जी वो भरा पूरा कश्मीरी साज के साथ ऑर्केस्ट्रा है, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल, रबाब हम है, बहुत बहुत मिस उसमें करते हैं उन सब चीज़ों सारंगी को। है, जी तुम्बक नगर वो है, बहुत सारे वो थोड़े से जब थोड़े हाँ से जी ऐड हो गए थे, सितार हमारा नहीं, उसके साथ है, जो फ्लूट ये है, डिपेंड करता है क्लैरिनेट है, कि जी, डिपेंड करता क्लैरिनेट है कि जो कोई प्रोडक्शन करता है म्यूजिक की जी। उसके क्या चाहिए। जब मैं विलोमा कर रहा था तो मेरी नहीं प्रोड्यूसर नहीं ने मेरा मुझे मेरा ये मतलब है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आज देखने को नहीं मिलते हैं कहीं जी। देखने को नहीं मिलते हैं, वही मैं उसी बात पे आया। और विलोमा उसमें में जो है मैंने श्रीनगर जाके वहाँ के रबाब, संतूर, सरनय, ये सब साज मैंने रिकॉर्ड किए वहाँ पर। देखने को नहीं मिलते हैं वो सब, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वो है, गैजेट्स हैं, सारे अवेलेबल हैं, इक्वल साउंड्स अवेलेबल हैं। अब तो इक्वल नहीं इतने है, नहीं, इक्वल नहीं है, नहीं अब आता इक्वल है। भी हैं। नहीं, अभी वो ज़माना भी आ गया कि आप टोन रिकॉर्ड करते हो और उसको फिर डेवलप करते नहीं, हो। उसको उसको डेवलप करते हैं जी। एक ही फ़र्क है, सिर्फ वो रबाब की है। रबाब का एग्जैक्ट नहीं मैच होता है, मगर टोन आ चुकी है, टोन सबकी आ चुकी है, टोन में कोई अंतर नहीं है। मगर बजाने वाला जो है वो कैसा है वो उस पर डिपेंड कर, मगर रबाब का किसी ने मैच नहीं किया आज तक। अच्छा, मुझे मतलब ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं। अब जो भी है, जो सामने है, प्रोडक्शन वैल्यू क्या है, कौन कितने पैसे खर्च कर रहा है, उस सब पे डिपेंड करता है। वो सारे पुराने साज तभी जिंदा रह पाएंगे, उसमें उसको संरक्षण चाहिए, तो अन्यथा वो सब चले जाएंगे। कोई, क्योंकि रोजी रोटी पीछे नहीं रहेगी तो कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो जितने भी काम हुए हैं वो मेरे ख्याल से मेरे द्वारा तो प्रिजर्वेशन का ज़्यादा काम हुआ है, जो मैंने प्रिजर्व किया है स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट को या बाकी चीज़ों को, और जो मौके मिले हैं काम करने के उनमें वो सब चीज़ें ही आईं। और साथ साथ जो इंस्पिरेशंस मिलती रहती थी, जो आइकॉन हमारी पोइट्री के हैं, ललदेद हैं या रब भवानी हैं, रिजदेद हैं, इन सब की जो कुछ ललवा कोर हो जाएं आप ज़रूर, क्यों नहीं, मैं जी। ललवाक गाने के साथ साथ मैं आपको उनसे इंस्पायर्ड कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद लिखी हैं वो मैं हाँ जी, सुनाऊंगा। नाइस। गरज पृछा गरज पृछा सांस लटे, यस्न के वनान तस क्या नाम, पृछान पृछान थचिस्तलू पृछान पृछान थचिस्तलूस के नस निश क्या क्या बात के नस निश क्या थांद्रा। एम्प्टीनेस में से हमें कुछ मिला, वो ध्यान की अवस्था की अपार जो मतलब एंडलेस वो एक स्टेट है। गायत्री अज पाछल अकितजुम सुहम सतचि कर्मस्तफ अहम स्लुत्पठ जठरीवजुम अहम स्लुत्पठ जठरीवजुम गौर कथ पजुम सजुम सख जो गिले खत्म शिकवे थे वो सब खत्म हो गए। हो गए कैमी स्वीटन गौर कथ पजुम, जो मुझे जैसे दिखाया था रास्ता उसको मैंने फॉलो किया। तेली गव सोरी मल दूर, तेली गव सोरी इल्यूजन दूर, नद ग्रजविन छई जेरे जेरे वथुमाल खसुवन हेरे नद ग्रजविन छई जेरे जेरे वथुमाल खसुवन हेरे
हेरे लयुन ओकुसुई जेरे जेरे वथुजान बोकुसुई हेरे हेरे नाद ग्रज वुंचे ये हम नादियों की बात कर रहे थे नाद ग्रज वुंचे जेरे जेरे इसका एहसास हमें बहुत स्लोली होता है स्लोली होता है हर एक के अंदर वो नद यानी वो आवाज जिसे हम अनहद नाद के नाम से जानते हैं वथु माल खसु वन हेरे हेरे गो एहड स्टेप बाय स्टेप लाई युन ओकसु जेरे जेरे जो जिस एक की हम बात कर रहे हैं जैसे ओकुस बोकुस वगैरह तो जिस ओकुस की बात हम कर रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे ही आएगा वथुजान बोकसुई हेरे हेरे बोकसुई इज बुक ना बुक नो नो ये बोकुस एक है ओकुस बोकुस ओकुश अखरस्त बोकसुई मगर ये सिंगुलर एंड डाइवर्स आस्पेक्ट बोक ना इस वनत सिन्यु बोक हच बोक ये बोक तथ अर्थ बुकुस इट्स नॉट बुकुस ये बोकुस ये द्वर्थक अत मतलब बोकुस तु मगर अत गोडन अखा कि वाम आस्पेक्ट तो आस्पेक्ट ये सोरे जान लयुन ओकुसुई जेरे जेरे वतुजान बोकुसुई हेरे हेरे नद ग्रज वुंचै जेरे जेरे इम छ वारिया मौक मेल त तमीज हको गिवित छ ये कर भी सकते हैं बहुत बढ़िया जी 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 इसकी संभावना इसको एनेक्टमेंट की भी बहुत जबरदस्त है जी 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 जिसमें मतलब आप जब गा रहे हैं तो ये सारा इसका एक किसी अर्थ के तहत इसका मंचन हो सकता है बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त मंचन पावर हो सकता है तो आपने कश्मीरी गायकों को सुना है जी जी बहुत सारे कौन सा आपका जो फेवरेट सिंगर है कौन है आपके मेरे हर एक सिंगर मेरा फेवरेट सिंगर है मगर जिन महान गायकों के बीच में उठे बैठे हैं गुलाम हसन सोफी साहब वो तो हमारे आइडियल थे विजय मल्ला जी के साथ हमारा पहला डेब्यू एल्बम था उनका भी वो डेब्यू एल्बम था पंडित काका जी सफाई जिसमें उन्होंने आ सही शरण कर तम दया ओम श्री गणेशाय नमः वो गाया था उसमें मेरा भी मेरी एक लीला थी उसमें तो काफ़ी पुरानी बात है 1978 में शायद उन्होंने किया था ये रिकॉर्ड उसी फिल्म इंस्टीट्यूट में अब देखिए मतलब लिमिटेशंस ऑफ रिकॉर्डिंग क्या थी तो फिल्म इंस्टीट्यूट के कमरे में सारे मिलके बैठ के वो कोई हायर्ड पीएफ सिस्टम पे उसको टेप रिकॉर्डर से जोड़ के तो वो वीर हाउस ने रिकॉर्ड किया था तो उस तरह के चीज़ें शुरू में हुई एक्सपेरिमेंट सब करते थे तो कहाँ से हम आ रहे हैं वो सब चीज़ें वो सब अचीवमेंट्स ही हैं तो वो भी एक ज़माना था जी। आज एक ये ज़माना है कि हम पहले हम स्टूडियो जाते थे आज हम घर बैठे काम कर रहे हैं और घर बैठे ही सब कुछ हो रहा है तो मुझे अब बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है या मतलब सारा काम ऑनलाइन तो मैंने यहाँ अपना कंप्यूटर खोल लिया तो बॉम्बे वाला कैन एक्सेस माई कंप्यूटर ये बहुत देर से अवेलेबल है तो रिसोर्सेज बहुत बढ़ गए हैं और सारा काम बड़ा इजीली हो जाता है और यहाँ से बहुत अभी उनके वो जो फेवरेट आपका सिंगर है उसमें से सोफी साहब का कोई गीत अब सुनाए गाना सोफी साहब का गाना मैं अगर वो आपके जहन में हो जी यूजुअली मैं मतलब मैंने कभी भी किसी के कॉपीड सॉन्ग्स गाए नहीं हैं फिर भी मतलब मेरे फेवरेट सॉन्ग्स तो बहुत सारे हैं जो हमारे घर में क्रिएट हुए और उसमें से एक मैं सुनाऊंगा सोफी साहब का क्योंकि मेरे सामने एक किस्सा भी सुनाऊंगा सोफी साहब का
रिकॉर्डिंग हो रही थी, और इम्पोर्टेंट इधर से बहुत सारे लोग, मेहुल मुंशी, पूर्णिमा तिक्कू, भरत काचरू, संजय कौल, मैं इनको डिस्प्ले करता जी, रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सभी का बहुत बहुत खुशी होती है जब जुड़ते हैं लोग जी। फसले बहारा वही गोमई बेताब दिन खेरिन सुयार द्रावई गोमई बेताब दिन फसले बहारा वही गोमई बेताब दिन आई दिले गमगीन पखावई ब कुदरत कोई नजार दर्द बागन लज फुल बर जो शा पोशे बहार क्या, क्या खुश कर उन हवावई मई बेताब दिल क्या खुश कर उन हवावई गोमई बेताब दिल फसले बहारावई गोमई बेताब दिल आशे मंजरूज थी दो पश कर हासल डल क्या आज छु गोशे फिर दोस बेशक छुई ना लई तेल बल बेनगीन छावई ओ मई बेताब दिल फसले बहारावई गोमई बेताब दिल फेरिन सुयार द्रावई गोमई बेताब दिल गोमई बेताब दिल फसले बहारावई गोमई बेताब दिल। ये बहुत खूबसूरत, बहुत सुरूर में आ गए सारे श्लोक जी, बहुत ही सुरूर में सारे लोग आ गए हैं और बहुत तारीफ हो रही है जी, तारीफों के लायक काम है आपका, आपका काम बहुत उम्दा है, बहुत तारीफों के लायक है। और गाने तो एक से बढ़कर लोगों ने गाए हैं, चाहे वो आरती तिक्कू जी हो, शमीमा जी हो, कैलाश जी हो, या बहुत सारे सिंगर हमने भी, मतलब इन सबको देख देख के हमने, महाराज कृष्ण पंडिता जी, सुमरन पन इन डिसनम, कितनी खूबसूरत कंपोजिशन है वो भी, मतलब बहुत गाने तो अब बेशुमार गाने हैं जिनको मतलब अनफॉर्चुनेटली रेडियो से मिलना मुश्किल हो रहा है, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब मिल नहीं रही हैं वहाँ पर, फिर भी जो भी है री रिकॉर्डिंग हो रही है वो सब हो रहा है। हाँ, हमारे जहन से तो इरेज नहीं हो सकती है, हमारे जहन में वो दिनें बिल्कुल बजती रहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और 24 घंटे बजती रहती है जी 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 जी। और इसीलिए मतलब हमको बहुत प्रेरणा मिलती है ऐसे कार्यक्रम करने की, और खासकर आप ऐसे लोगों के साथ जिनके जहन में ये बिल्कुल सारी स्मृतियाँ है, और आप जैसा कह रहे हैं कि कृष्ण लंगू जी साहब के मतलब आपके घर पे जो है बेशतर कंपोजिशन जो है कंपोज हो जाती थी रेडियो कश्मीर के लिए उस वक्त। मैंने मैंने जिक्र किया था बूंज का 93 में जब हमने किया, तो हर साल कुछ ना कुछ हम करते रहते थे, और बूंज को लेकर हम फिर बॉम्बे गए, फिर पुणे गए, अलग अलग जगहों पे किया। उसके बाद हमने 98 में मैंने अपना जो एल्बम प्रोडक्शन है भगवान गोपीनाथ जी के नाम से वो भी प्रोड्यूस किया। उसके बाद में जो हमने कृष्णागमन नाम से एक नृत्य नाटिका करी जिसकी मतलब बहुत ही तारीफ हुई, बॉम्बे में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, तो उसके एल्बम भी बने। कई सारे ऐसे काम जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आके ही संभव हुआ हमारे लिए, क्योंकि
अलग अलग पैटर्न्स पे, क्योंकि थिएटर हमारे पीछे एक ट्रेनिंग थी घर पे ही वो सब। कभी तो स्वर्गीय सूरज टिक्कू जी हमें सेट डिज़ाइनिंग का वो सिखाते थे, आरी उठाना, कीले ठोकना, कमल के फूल क्रिएट करना सेट। अच्छा 1979 की बात है, 78-79 की बात है, ये मैं भूल ही गया। बेंगलोर में मेरा पहला जो शो, मतलब जो मैंने अटेंड किया एज अ म्यूजिशियन, मेरे हाथ में कांगो कांगो बजाता था मैं, तो बैकग्राउंड म्यूजिक में मैं भी करता था, और कुछ कभी गाना होता तो गा लेता था, कभी बजाना है तो बजाना है, तो ग्रुप में मैं भी था। तो बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और फिर श्रीनगर, ये सब जगह शोज़ हुए। कश्मीर के जो नृत्य नाटिकाएँ होती थी वो लेके जाते थे पंडित कृष्ण लंगू जी, तो हम कहीं ना कहीं से जुड़ जाते थे। वही बेसिक मतलब ट्रेनिंग वहीं से है। ट्रेनिंग में थिएटर का खास रोल है, चाहे वो सेट डिज़ाइनिंग है, चाहे वो सेट को कलर करना है, या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। आप तो, आप जो है ना, आप आपका मतलब जो जुड़ाव है जी, वो जी, जो परफॉर्मिंग आर्ट है जिसमें सेट भी है, जिसमें थिएटर भी है, जिसमें जी 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 मतलब मल्टीपल जो इसके जॉनर्स है उसके साथ आपका बराबर रहा। आपने फिल्मी गाने बहुत अच्छे गाए हैं, और जिसमें मुकेश के गाने गाए हैं वो सुनेंगे आपसे एक एड ब्रेक के बाद। नहीं मैं जी, वेलकम बैक। जी जी जी, आपने मुकेश जी के बहुत अच्छे गाने मैंने सुने हैं कि जी, और मेरा जी, मन जी, करता जी, है कि हम अपने ऑडियंस को भी सुनाएं। मुकेश जी का गाना हो जाए। नहीं नहीं, मैं मुकेश को गाया करता था जब शुरू में, जब मुझ में टैलेंट देखा लंगू जी ने, तो उन्होंने मुझे फिल्मी गाने ही गाते हुए देखा, स्पेशली मुकेश जी के गाने जी। तो उन गानों में मगर मैं मुझे बांधा नहीं गया उन गानों में, मतलब गाने को तो सब कुछ गा सकता है इंसान। जब मैंने 22 भाषाओं में गाया तो ये फिल्मी गाने भी एक जॉनर है, तो वो रिसेंटली सभी जितने भी मित्र हैं उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि आप तो गाया करते थे, हमें सुनने को नहीं मिल रहा, तो मैंने 5 गाने पोस्ट किए जी। और पोस्ट किए मगर फिर भी जो मेरा जो एक वो है कि वो ट्रैक पे हम गाते हैं, मैं गुनगुना तो सकता हूँ जितने भी गाते हैं, मन्ना डे के गाने, यशुदास के गाने, और ये मुकेश स्पेशली ऐसे आप, के भी गाने ऐसे आप मतलब ट्रैक के बगैर भी अगर हमें सुनाएंगे जी, तो जी, बहुत जी, बहुत अच्छा लगेगा। आज आज का जो ये बीच में व्यवधान हुआ, तो उस व्यवधान के कारण आई एम गेटिंग टू लेट कि मुझे दूसरे उसमें उसके मैं भी जानता हूं कि आपको आपको दूसरा प्रोग्राम करना है अभी। जी जी जी, और आपका वो लाइव सेशन है म्यूजिक का। जी जी, आई विल नॉट टेक मच टाइम। मैं कुछ एक लाइंस आपको सुनाऊंगा। जी जी जी, मुझे लगता है कि सॉरी इसको मुझे ढूंढना पड़ेगा जी। हमारे कश्मीर जी, में जी, एक से बढ़कर एक जो है सिंगर्स हैं, म्यूजिशंस हैं, जी जी टैलेंट है हमारे पास जी।
हमारा रेडियो और टेलीविजन जो है एक आत्मा में बसता था। बिल्कुल सही बात। हर बंदा जो कश्मीर का था उसके माइंड में होता था ये, और एक रूहानी गजा थी हमारी ये। चंदन सावधन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सावधन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालो, मुझे दोष न देना। ये इसी में फोन आ गया। मैं मतलब ये सब गाने गाया करता था, खूब गाया करता था, और पंडित मेरे गुरुदेव मुझे अपने ऑफिस ले जाया करते थे, तो कई वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशंस और ये सब उनके बीच में बैठा के तलसा बोझना यू बर्थ, तो मुझे मतलब उस वक़्त मैं गाने सुनाता था, तो उन गानों में एक विशेष गाना होता था मन्नाडे का, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मुहे नैन आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ये सब गाने मतलब बेसिक ट्रेनिंग हमें इन्हीं गानों से है, चाहे वो फिर बहुत गजलें हों पाकिस्तान से भी हों, गुलाम अली मेहंदी हसन और परवेज़ मेहंदी। परवेज़ मेहंदी का मुझे सात सुरों का बहता दरिया, दैट इज़ माय फेवरेट। सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम हर सुर में है रंग धनकता, हर सुर में है रंग धनकता तेरे नाम, सात सुरों का। और बहुत कुछ है सुनाने को, तो बहुत कुछ है, मगर वही है अभी आपके आप मुझे मालूम है कि आपका 8 बजे आज मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूँगा सेशंस लाइव में मुझे ज्वाइन करेंगे। सेशंस लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें म्यूज़िक का थोड़ा सा उसमें बहुत अच्छा मतलब जैसे रिस्पांस रहता है, जहाँ पर हमें लिमिटेशंस हैं म्यूज़िक बजने की और ये सब, तो उसमें एक अच्छा क्वालिटी भी आती है, तो उस प्लेटफॉर्म को मैं बहुत ही कुछ मई से मैंने शुरू किया है, मैं कर रहा हूँ लाइव आजकल, तो मैं चाहूँगा कि सब देखें। बहुत बहुत थैंक यू सभी का, मेरी बेस्ट विशेस सबको जिन्होंने भी देखा, और आज मुझे इस मतलब थोड़ी से व्यवधान के बावजूद ये मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ से बाहर है। हाँ, लेकिन जी, हमको हमको यानी कि ये सेकंड सेशन है एक तरीके से, वो फर्स्ट सेशन जो है उसका मैं देखूंगा क्या प्रॉब्लम हो गई थी। एक गाना गाना शायद उसमें उन्होंने कोई किसी चीज पर एतराज किया होगा, तब वो काट देते हैं। जी जी जी, तो वो देखते हैं हम, उसको पता चल जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे आप इजाजत लेता हूं आज, क्योंकि आप जल्दी में हैं और आपको दूसरा सेशन अटेंड करना है, और इसीलिए हमने आज का दिन का टाइम 6 बजे रखा था, नहीं तो 7 बजे हम यूजुअली अपना प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो आपसे इजाजत ले लूंगा, दर्शकों से इजाजत ले लूंगा, अगले अंतरंग में एक बार फिर एक ऐसी हस्ती को आपके सामने पेश करूंगा और अपने एक नए नामी गरामी आर्टिस्ट के साथ आपकी भेंट कराऊंगा। तब तक
हमें इजाज़त दीजिए, जी जी दिलीप जी से हम इजाज़त चाहेंगे। तो थैंक अब यू। हम नाम बताएंगे कि हमारे साथ दिलीप जी जुड़े हैं अभी, तो हम नाम बताएंगे हमारे साथ किस सेशन में, जो पहले सेशन के बाद अब दोबारा जुड़ गए थे तो फोन पर रीता राजदान सफाया, भरत काजलू जी, जयकिशन रैना, जयकिशन रैना, सुपर्णा सपरू जी और रीता राजदान सफाया, दाशा जी फ्रॉम हिमाचल, धीरज कौर जयपुर से, और ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे, सोनी सोनिल और प्रतिभा तिक्कू, विमल सिद्धा, भरत काचरू, संजय कौल, मेहुल मुंशी, पूर्णिमा तिक्कू कौल, और ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे, शीतल शाह कौल, ये सारे लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहे, क्योंकि अनिल नखासी जी आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे कार्टून भी बनाते हैं, कार्टूनिस्ट हैं, और ये बहुत ही विद्वान हैं, और इसके साथ विनोद को हमारे कश्मीर से जुड़े हैं, और ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका दिलीप लिंबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।